संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले राजपूत समाज के लोगों ने थिएटर में आग लगाने, तोड़फोड़ और हिंसा की धमकी दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक राजपूत नेता ने ऐलान किया है कि जो शख्स संजय लीला भंसाली का सिर काट कर लाएगा उसे वो 5 करोड़ का इनाम देगा। फिल्म में रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी जबकि दीपिका पादुकोण पद्मावती और शाहिद कपूर राजा रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में हमलावर अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन किया गया है, उनके गलत कामों को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इसके अलावा रानी पद्मावती और खिलजी के बीच ड्रीम सीक्वेंस को भी फिल्माया गया है। इसके अलावा घूमर डांस को लेकर भी विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म में राजपूत समाज की गलत छवि दिखाई जा रही है क्योंकि घूमर नृत्य पुरुषों के सामने नहीं किया जाता था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।